भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार 15 साल या उससे अधिक समय से इस्तेमाल किए गए वाहन को भंगार में दिया जाएगा, ऐसा घोषित किया गया है। 15 साल या उससे अधिक समय से इस्तेमाल किए गए वाहनों से प्रदूषण अधिक प्रमाण में होता है और जनता की सेहत पर खतरा बना रहता है, इसीलिए शासन ने इस पॉलिसी को अमल में लाने का और ऐसे वाहन को भंगार में जमा करने का धोरण बनाया है। इस पॉलिसी के अमल में आते ही अकोला आरटीओ ऑफिस द्वारा अब तक अकोला में 25 से अधिक वाहनों को भंगार के सुपुर्द किया गया है। अकोला जिले की कुल लोक संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है और तकरीबन 10,000 से अधिक वाहन भंगार में दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे पुराने वाहन दिए जाने पर वाहन मालिक को 15% का लाभ उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा दिए जाने की बात सामने आई है। यही नहीं, अच्छी स्थिति में पाए जाने वाले वाहनों को कार्यालय द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसकी वैधता 5 साल होंगी। इसीलिए पुरानी गाड़ी के लेन देन में काफ़ी गिरावट आ सकती है और पुरानी गाड़ियाँ सस्ती मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं।